हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद दीतिमन। लास्ट वीडियो में हमने कोहल वर्ग की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत देखा था। उसमें हमने देखे थे कि कोहल वर्ग ने 3 लेवल और 6 स्टेजेस जो हैं वो बताई थी। आज हम करने वाले हैं मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें हम देखेंगे कि बालक का जो संवेगात्मक विकास है वो किस तरीके से होता है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये जो चैप्टर हैं, जो भी टॉपिक हैं, ये कौन से हैं, तो सिलेबस में ही देख लीजिएगा आप। विकास का जो सिद्धांत है वो हम पढ़ रहे हैं, तो विकास के सिद्धांत जो हैं बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग तरीके से दिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बालक का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए सबसे पहले हम संवेग को जानते हैं। संवेग क्या होते हैं? संवेग एक उत्तेजित अवस्था होती है। मान लीजिए कि कोई भी बालक जो है उसके अंदर बहुत सारे संवेग जो है वो पाए जाते हैं। बालक जब शिशु होता है, छोटा होता है, तब उसमें संवेग जो है वो पाया जाता है अकड़न, यानी जब वो बच्चा जो है वो अकड़ता है तो वो भी एक संवेग का रूप होता है। ये संवेग हंसना, रोना, भय, क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, ये सभी क्या है? संवेग हैं। ये सभी हैं उत्तेजित अवस्थाएं हैं, जो हमारे अंदर उथल पुथल जो हलचल हो रही होती है वही संवेग हैं, जिसके निकलने के जो भाव है वो अलग अलग होते हैं। चलिए देख लेते हैं। संवेग जो है वो इंग्लिश में इमोशन शब्द से बना है, जो कि ई प्लस मोशन से मिलकर बनता है। ई का अर्थ है अंदर से, मोशन का अर्थ है गति, यानी अंदर से गति होना। इमोशन जो है वह लेटिन भाषा के जो लेटिन शब्द है इमूवर से लिया गया है। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इमोशन जो है वह किस शब्द से बना है, तो वह इमूवर से बना है, जो कि एक लेटिन शब्द है जिसका अर्थ है उथल पुथल या हलचल। तो संवेग का प्रभाव जो है वो हमारे 3 पक्षों पर पड़ता है, संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और दैहिक पक्ष पर। अगर हम किसी चीज के प्रति बहुत अधिक क्रोधित होते हैं तो सबसे पहले हमारा संज्ञान जो है वो प्रभावित होता है, हमारा मानसिक पक्ष सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, जिसकी वजह से हम गलत एक्टिविटी करते हैं। मारपीट, झगड़ा, ये सभी क्या है? उस क्रोध संवेग की वजह से ही हमारे व्यवहार में भी देखने को मिलते हैं, जिससे कि हमारे शरीर जो है वह भी वीक दिखाई देता है। तो संवेग का प्रभाव जो है वो संज्ञानात्मक मानसिक पक्ष पर, व्यवहारात्मक और दैहिक यानी शारीरिक पक्ष पर पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि संवेग का प्रभाव इनमें से इन पक्ष पर नहीं पड़ता है, तो वहां पर एक सांस्कृतिक पक्ष दे दिया जाएगा और इन तीनों को दे दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा की सांस्कृतिक पक्ष, क्योंकि संवेग का प्रभाव हमारे मानसिक, शारीरिक और व्यवहारिक इन तीनों पक्षों पर पड़ता है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संवेग के प्रकार। अब संवेग जो है, इमोशन जो है वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं? जैसे कि सुख है, प्रेम है, प्रसन्नता है, हर्ष है, ये सभी क्या है? ये संवेग है और जो कि पॉजिटिव है। नेक्स्ट है नकारात्मक संवेग। दुख, भय, पीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता, ये सभी संवेग जो हैं वो नकारात्मक संवेग कहलाते हैं। तो इनको आप याद रखना बिल्कुल, कि सकारात्मक संवेग कौन से होते हैं और नकारात्मक संवेग कौन से होते हैं। सकारात्मक हैं सुख, प्रेम, प्रसन्नता और हर्ष, और नकारात्मक संवेग हैं दुख, भय, पीड़ा, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता। शैशवावस्था में संवेग, शैशवावस्था यानी जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, यहाँ पर जो संवेग होते हैं बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन तीव्र तो होते हैं लेकिन क्षण भर में समाप्त भी हो जाते हैं। मान लीजिए एक शिशु है और उसे दूध की रिक्वायरमेंट है, तो वो दूध चाहता है लेकिन उसे उस वक्त दूध नहीं मिल रहा है, तो वो उस वक्त रोना जैसी क्रियाएं हैं करने लगेगा। उसके भाव जो हैं वो रोने की क्रिया से निकलकर सामने आते हैं, लेकिन जैसे ही उसे दूध मिल जाता है तो वैसे ही उसके संवेग समाप्त हो जाते हैं, उसका रोना समाप्त हो जाता है। तो संवेगों की दृष्टि से यह स्वर्णिम काल कहलाता है, शैशव अवस्था, क्योंकि यहाँ संवेग बनते हैं और जल्दी से ही समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 वर्ष तक की मानी जाती है, यहाँ पर संवेग जो है वह भाषा विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, इनके माध्यम से प्रकट होते हैं। किनके माध्यम से? दुख, भय और क्रोध के माध्यम से प्रकट होते हैं। वह किसी चीज को भाषा के द्वारा
अपना प्रकट करता है। जैसे दुख अगर प्रकट करना है तो वह बोलकर प्रकट करेगा, सामाजिक विकास के द्वारा वह प्रकट करेगा, मानसिक विकास के द्वारा यह प्रकट करेगा। लेकिन यहाँ पर जो नकारात्मक संवेग है वो बहुत कम दिखाई देते हैं। तो संवेग जो होते हैं वो तीव्र शैशवावस्था में होते हैं, लेकिन बाल्यावस्था में इतने तीव्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट है किशोरावस्था में संवेग, यह 13 से 18 वर्ष तक की उम्र होती है। यहाँ पर भी संवेग शैशवावस्था की तरह ही बहुत तीव्र होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बच्चा होता है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और तो वह संवेगों को नियंत्रण करने में भी सक्षम होता है, वह संवेगों को नियंत्रित भी कर लेता है। अगर उसे किसी भी चीज से पीड़ा हो रही होती है लेकिन वह उसे उस टाइम पर प्रकट नहीं करना चाहता है तो वह उस संवेग को दबा लेता है और कुछ समय के बाद उन संवेगों को प्रकट करता है, यानी यह नियंत्रण करने में वह समर्थ हो जाता है। तो संवेग जो है वो सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन वॉटसन की। वॉटसन कहते हैं कि संवेग से बालक में भय, क्रोध, प्रेम विकसित होते हैं। संवेगों से, इमोशन से बालक में भय यानी डर, क्रोध, गुस्सा और प्रेम, ये सभी विकसित हो जाते हैं। वॉटसन की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है संवेग की, कि संवेग से बालक में भय, क्रोध, प्रेम विकसित होते हैं। देखिए इन तीनों वर्णों को जब हम भूल जाते हैं तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। यानी वॉटसन कहते हैं फॉल, फॉल यानी एफ से फियर, फियर यानी डर, ए से एंगर, एंगर यानी क्रोध, और एल से लव, लव यानी प्रेम। ठीक है, तो फॉल यानी फियर, एंगर और लव, ये कौन बात करते हैं? वॉटसन महोदय इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है मैकडूगल, संवेग प्रकृति का हृदय है। मैकडूगल कहते हैं संवेग जो है ये तो प्रकृति का हृदय है। तो मैकडूगल की डेफिनेशन को ऐसे याद करेंगी कि MD यानी कि जो मैकडोनाल्ड है वहां पर अगर हम बर्गर खाते हैं तो हमारा हृदय जो है वो क्षति पहुंचती है उसको। ठीक है, तो MD में बर्गर खाया तो बर्गर से हमारा हृदय जो है वो प्रभावित हुआ। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ये थोड़ी सी ट्रिक है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ का कहना है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, कि यह तो क्या है, व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यानी व्यक्ति के जो भी उथल पुथल हो रही होती है वही संवेग है। नेक्स्ट है पीटी यंग। पीटी यंग कहते हैं संवेग व्यक्ति का तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है जिसकी उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से तथा इसमें व्यवहार, चेतन, अनुभूति, अनुभव और आंतरिक अवयवों की क्रियाएं सम्मिलित होती है। तो पीटी यंग की डेफिनेशन जो है वो केवल ये बताती है कि व्यक्ति का जो तीव्र मनोवैज्ञानिक उपद्रव है यही क्या है, संवेग है। नेक्स्ट है गेट्स। गेट्स का कहना है कि संवेग वे घटनाएं हैं जिनसे व्यक्ति अशांत या उत्तेजित तो हो जाता है, यानी संवेग अगर होते हैं तो उनके द्वारा व्यक्ति जो है एक तो अशांत हो जाएगा और उत्तेजित भी हो जाता है। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो याद करने की ट्रिक यह है, गेट से याद करना है। गेट तो यदि गेट बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति जो है वो अशांत तो हो जाता है और उत्तेजित भी हो जाता है, यानी उसे क्रोध आ जाता है। तो गेट से याद करना है गेट, और व्यक्ति अशांत हो जाता है, तो ये आपकी ट्रिक में लाइन आ जाएगी। जेम्स ट्रेवर कहते हैं संवेग शरीर की जटिल दशा है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है तथा उसी प्रकार मांसपेशियां व्यवहार करती हैं। तो जेम्स ट्रेवर जो है वो ये कहते हैं कि संवेग जो है वो शरीर की जटिल दशा है जिसमें सांस लेने, नाड़ी गति, ग्रंथिल उत्तेजना, मानसिक दशा, अवरोध आदि की अनुभूति पर प्रभाव पड़ता है, यानी संवेगों का शरीर पर प्रभाव पड़ता है और उसी प्रकार से जो भी मांसपेशियां होती हैं वो कार्य करती हैं। जेम्स के अनुसार संवेग जो है वो दो टाइप के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं, स्थूल संवेग और सूक्ष्म संवेग। स्थूल संवेग होते हैं जिनका आसानी से निरीक्षण किया जा सकता है, जो कि दिखाई दे जाते हैं, जैसे प्रेम है, दुख है, भय है, ये सभी क्या है, स्थूल संवेग है। नेक्स्ट है सूक्ष्म संवेग। अब इन्हें देख पाना इतना आसान नहीं होता है, उच्च बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता तथा आसानी से निरीक्षण नहीं हो पाता है, यानी यहाँ पर एक
तीव्र बुद्धि बौद्धिक योग्यता वाला व्यक्ति चाहिए होता है जो इन संवेगों का निरीक्षण कर सके, जैसे कि सौंदर्य भाव, दया भाव, बौद्धिक भाव, इन्हें हम आसानी से नहीं देख पाते हैं। जर्सील्ड कहते हैं, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। संवेग क्या होते हैं कि जब व्यक्ति में आवेश आ जाता है तो वह भड़क उठता है, और उसके बाद जो भी उत्तेजित अवस्था होती है, उत्तेजित हो जाने की अवस्था होती है, वही संवेग कहलाती है। इनकी डेफिनेशन को इस तरीके से याद रखिएगा कि यदि रस्सी से किसी व्यक्ति को बांध दे, जर्सील्ड यानी ये बीच का देखिए आप, रस्सी रस्सी से यदि किसी को बांध दे तो वो तो अपने आप ही उसके अंदर क्रोध भी आ जाएगा, भड़क उठेगा और उत्तेजित भी हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉस। रॉस कहते हैं, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। संवेग जो है वह चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। यह कौन कहते हैं? रॉस कहते हैं। चलिए, ब्रिजेस का कहना है, जो कि उन्होंने 1932 में क्या कहा, उन्होंने एज बताई कि किस किस माह में जो बच्चे होते हैं उनमें संवेग पाए जाते हैं। तो उन्होंने 2 वर्ष तक के बच्चों का बताया। नवजात शिशु में जो प्रारंभिक संवेग होता है वो अकड़न होता है। आपने भी देखा होगा बच्चा जो है वो अकड़ता है, ठीक है, तो वो क्या है? संवेग है। तो प्रारंभिक संवेग कौन सा होता है? अकड़न। नेक्स्ट, जो 1 माह का बच्चा होता है तो उसमें पीड़ा होती है। उसके बाद 3 माह का जो है वो आनंदित होता है, तो यह भी एक संवेग है। 6 महीने के बच्चे में फियर और एंगर यानी कि गुस्सा और डर जो है वह आ जाता है। 10 माह के बच्चे में प्रेम संवेग जो है वह आ जाता है। 15 माह के बच्चे में ईर्ष्या आ जाती है यानी कि वह ईर्ष्या करने लगता है। उसी वजह से वह अपनी वस्तु को किसी भी चीज में किसी को भी देने को तैयार नहीं होता है। 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर खुशी महसूस करने का जो संवेग है वह आ जाता है। नेक्स्ट है जर्जोक की डेफिनेशन। जर्जोक ने संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जर्जोक कहते हैं कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यह जो पॉइंट है, ये जो जर्जोक की लाइन है, ये आपकी सीटेट में 3 या 4 बार पूछी भी जा चुकी है कि जर्जोक के अनुसार संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, इस तरीके से आया हुआ है। तो याद रखना है कि जर्जोक ने बताया है कि संज्ञान और संवेग यानी कि जो भी माइंड है और जो भाव है, ये सभी एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जनरल फैक्ट क्या है, सामान्य बात क्या है, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर संवेग होंगे तो उनका हमारे संज्ञान पर प्रभाव पड़ता है। यानी संवेग और संज्ञान दोनों ही अंतर संबंधित तो होते हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जो भी भाव आएंगे अगर हमारे माइंड से रिलेटेड हैं तो हमारे शरीर पर भी इफेक्ट डालेंगे और वो हमारे व्यवहार पर भी इफेक्ट डालेंगे। तो इमोशन और संज्ञान दोनों ही एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। मैकडूगल ने 14 प्रकार के संवेगों की 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अब ये क्वेश्चन जो है यहाँ से आपका बनता है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात और सार्वभौमिक होती हैं। ये तो हमें पता चल ही गया जब हमने सामान्य तौर पर हमने देखा था, जो ब्रिजेश ने भी बताया था कि जो शिशु होता है छोटा नवजात, उसमें भी अकड़न नाम का जो प्रारंभिक संवेग है वो पाया जाता है। तो इसका मतलब मूल प्रवृत्तियां जो है वो जन्मजात भी है और सार्वभौमिक यानी सभी पर लागू होती है। सभी व्यक्तियों में अलग अलग मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं जो उनके व्यवहार को दर्शाती हैं। अब देखिए, मैकडूगल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो यहाँ एक साइड में हमने मूल प्रवृत्तियां लिखी हैं, दूसरे साइड में उनसे उत्पन्न होने वाला संवेग लिखा हुआ है। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियां जो हैं वो व्यवहार को दर्शाती हैं। फर्स्ट है जिज्ञासा, यानी अगर हम किसी चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो जैसे ही हम आश्चर्यचकित होते हैं तो हमारे अंदर
मूल प्रवृत्ति आ जाती है जिज्ञासा की, क्योंकि हम उसके बारे में अब जानना चाहते हैं। संवेग है भय और डर। जब हमें किसी चीज से भय या डर लगता है तो हम क्या करते हैं, वहां से पलायन कर जाते हैं, वहां से छोड़कर चले जाते हैं। अकेलापन, अकेलापन संवेग होने की वजह से हम सामूहिकता को ढूंढते हैं। नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध आ जाने पर क्या करते हैं, युयुत्सा यानी कि युद्ध की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। तो ये क्या है, व्यवहार दर्शा रहा है। नेक्स्ट है श्रेष्ठता की भावना आने पर आत्मगौरव व्यवहार को दर्शाता है। आत्महीनता दीनता को दर्शाती है। स्वामित्व की भावना संचय प्रवृत्ति को दर्शाती है। घृणा होने पर क्या होता है, प्रतिकर्षण हो जाता है। आकर्षण तो नहीं होगा ना, घृणा होने पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। नेक्स्ट है करुणा होने पर शरणागत हो जाता है। कामुकता जो है वो काम प्रवृत्ति को उत्पन्न करती है। आमोद होने पर हंसी का व्यवहार आता है। भूख लगने पर भोजन अन्वेषण यानी भोजन की खोज होने लगती है। वात्सल्य या स्नेह जो है संतान कामना का व्यवहार जो है वह उत्पन्न वह दर्शाती है। सृजनात्मकता की भावना जो है वो किसी चीज को क्रिएट करने का व्यवहार दर्शाती है। तो ये सभी 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। तो इनको आपको याद रखना है कि कौन कौन से संवेग से कौन कौन से व्यवहार जो हैं कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट है इमोशनल इंटेलिजेंट यानी संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का कंसेप्ट जो है वो किसने दिया था, डॉक्टर मेयर और सेलेवो ने दिया था। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि संवेगात्मक बुद्धि का जो कंसेप्ट है वह किसने दिया था, वह दिया था डॉक्टर मेयर और सेलेवो ने। वर्तमान में 1995 में गोलमैन ने अपनी बुक में क्या लिखा, संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंट बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन क्यों। ठीक है, गोलमैन ने क्या लिखा कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वह बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने ये विचार दिया था। गोलमैन के अनुसार कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है इसकी घोषणा संवेगात्मक से की जा सकती है, यानी कि संवेगात्मक बुद्धि जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बुद्धि लब्धि के। किसी भी सफलता में संवेगात्मक बुद्धि का योगदान 80% होता है और वहां बुद्धि लब्धि का योगदान 20% होता है। उसके बाद है निष्कर्ष, संवेगों पर नियंत्रण ही संवेगात्मक बुद्धि है। अब देखिए हमने ये चीज को जान लिया है कि बुद्धि लब्धि से इम्पोर्टेंट क्या है, संवेगात्मक बुद्धि। यानी अगर किसी ने संवेगों पर नियंत्रण करना पा लिया तो उसकी बुद्धि जो है वह उच्च स्तर पर होती है। अधिक संवेग कम बुद्धि को व कम संवेग अधिक बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। संवेगों पर जितना अधिक कंट्रोल कर लिया जाए वो अधिक बुद्धि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अधिक संवेग कम बुद्धि को, कम संवेग अधिक बुद्धि को प्रदर्शित करते हैं। फ्राइड ने मूल प्रवृत्तियां दो प्रकार की बताई हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। जीवन मूल प्रवृत्ति जिसे इरोज कहते हैं यानी ऊर्जा या जीवन से संबंधित होती है, और मृत्यु मूल प्रवृत्ति जिसे थैनाटोस कहा जाता है यह विनाश से संबंधित होती है। तो फ्राइड के अनुसार बताई गई मूल प्रवृत्तियां दो हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। तो आज हमने पढ़ा मैकडूगल का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत। हमने स्टार्टिंग से एंड तक सभी जो पॉइंट हैं वो देख लिए हैं, और आप लोग इसको बार बार देखिए जिससे कि आपको ये थ्योरी याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।